नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। माँ दुर्गा का विसर्जन चल रहा है, विजयदशमी का समापन हो गया है और ऐसे में माँ दुर्गा की विदाई विभिन्न जगहों पर बड़े धूमधाम से कराई जा रही है। लेकिन हम आपको तस्वीरें गया के दिखाएंगे, जहाँ पर गया की लेडी SP माँ दुर्गा के विसर्जन के लिए रात भर सड़क पर खड़ी रही, ताकि विसर्जन के दौरान किसी बात की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई चूक ना हो और लोगों के द्वारा जो विसर्जन का कार्यक्रम है वो शांतिपूर्वक समाप्त किया जाए। खास वजह ये भी रही कि गया में 5 लाइसेंसी दुर्गा की प्रतिमा को जामा मस्जिद के सामने से जो है वो होकर गुजरना पड़ता है, दुखहरणी द्वार के सामने से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके लिए चाक चौबंद पूरी तरीके से दुरुस्त की जाती है। काफ़ी संख्या में पुलिस बलों को लगाया जाता है। गया GM और गया की SP वो खुद सड़क पर रहती है, ताकि किसी भी बात की कोई परेशानी ना हो और रात के 2-2 बजे तक इन लोगों के द्वारा विसर्जन के कार्यक्रम को जो है वो देखरेख करने का काम किया गया। तो तस्वीरें हम आपको सीधे गया के दिखाएंगे, जहां पर ये विसर्जन हुआ। माँ दुर्गा की 5 लाइसेंसी जो प्रतिमा है, उससे पहले दुखहरणी द्वार से होकर गुजरना पड़ा, उसके बाद जामा मस्जिद के सामने से होकर गुजरना पड़ा। तो जैसा कि आपने इन तस्वीरों के माध्यम से देखा, कोशिश ये रहती है पुलिस बल की, DM और SP की, कि कोई सांप्रदायिक भेदभाव ना हो। इसके लिए जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, ताकि किसी भी बात की कोई परेशानी ना हो। सब लोगों के सहयोग से माँ दुर्गा का विसर्जन कराया जाता है, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और बड़ी बात ये भी है कि गया की जो SP है वो रात भर माँ दुर्गा के विसर्जन के लिए खड़ी रही, ताकि कोई भी परेशानी ना हो, सब कुछ अच्छी तरीके से उनके देख रेख में सम्पन्न कराया जाए। दरअसल नवरात्र के मौके पर पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए शहर के 5 लाइसेंसी माँ दुर्गा की प्रतिमा दुखहरणी मंदिर द्वार से पास कराया जाता है। इसी क्रम में गया शहर के उत्तरी क्षेत्र के 5 लाइसेंसी प्रतिमा को नवरात्र के विजयदशमी के दिन यानी कि बुधवार को दुखहरणी द्वार के से वहां पास कराया गया। ये सिलसिला बुधवार की देर रात 2 बजे तक चलता रहा। प्रतिमा दुखहरणी द्वार से होते हुए जामा मस्जिद से गुजरती है, इसे लेकर यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की बंदोबस्ती की गई थी। जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन, SM और वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर स्थल पर मौजूद थे। दोनों पदाधिकारियों के मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से दुखहरणी मंदिर द्वार से प्रतिमा बारी बारी से पास कराया गया। जिला पदाधिकारी देर रात 2 बजे तक स्थल पर मौजूद रहे, साथ ही साथ उनके साथ गया की SP हरप्रीत कौर भी तैनात थी। मूर्ति पास कराने से लेकर बारीकी से नजर बनाए रखने तक, ताकि सामाजिक सद्भाव और शांति बना रहे, इन दोनों पदाधिकारियों की तरफ से पूरी कोशिश की गई। जिला पदाधिकारी की मौजूदगी रहने से उनके अधीनस्थ पदाधिकारी के पास कर जामा मस्जिद के समीप पदाधिकारी मौजूद रहे, लेकिन प्रतिमा पास होने में थोड़ी सी भी विलंब होने पर खुद जिलाधिकारी अपने स्थान से उठकर आम लोगों के बीच चले जाते रहे। तो हमने आपको तस्वीरें गया के दिखाई, जहां पर 5 लाइसेंसी दुर्गा प्रतिमा को दुखहरणी द्वार से पास कराया जाता है, जिसके बाद उसे जामा मस्जिद के पास से होकर गुजरना पड़ता है और इस बीच कोई सांप्रदायिक भेदभाव ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। ये जो पूरा कार्यक्रम है विसर्जन का, वो रात के 2 बजे तक चलता रहा, जहाँ पर गया के SP हरप्रीत कौर खुद तैनात थी, लोगों के बीच आती जाती रही, लोगों को समझाती बुझाती रही, ताकि किसी बात की कोई परेशानी ना हो। तो एक तरीके से नारी शक्ति का जो प्रदर्शन है वो ऑन ड्यूटी गया में नजर आया। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, ना कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।